नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर उग्र हो गए हैं और अपनी मांगों को लेकर दो दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में एकजुट हुए किसान आज गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे हैं। किसान और आदिवासी लोक संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सुबह 4:30 बजे चूना भट्टी के सोमिया मैदान से मुंबई के आजाद मैदान के लिए रवाना हुए थे। जम्मू कश्मीर की राजनीति ने बुधवार की शाम एकदम करवट ली। पीडीपी की अगुवाई में बुधवार को कुछ पार्टियों ने सरकार बनाने का न्योता भेजा तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कुछ ही मिनटों बाद राज्य की विधानसभा ही भंग कर दी। राज्यपाल के इस फैसले की कई पार्टियां आलोचना कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी तूफान गाजा से हुई तबाही की गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे और स्थिति को काबू में करने के लिए व्यापक केंद्रीय सहायता पैकेज की मांग करेंगे। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने तूफान प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 1,000 करोड़ रुपए जारी किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में खुदवानी में सेना के कैंप पर आतंकियों ने गुरुवार सुबह हमला कर दिया। आतंकियों ने एक राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर गोलियां चलाई हैं जिसका सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक आम नागरिक घायल हुआ है। अमृतसर के निरंकारी भवन में एक धार्मिक समागम में हुए ग्रेनेड हमले के आरोप में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के एक कथित सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर ग्रेनेड अटैक का ऑपरेशन ब्लू स्टार कनेक्शन भी सामने आया है। लंबे समय के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में उतरने जा रही है। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 23 नवंबर को तेलंगाना के मेडचल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर रेल हादसा हुआ है। बुधवार देर रात मुरादाबाद बरेली के बीच खाली ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन का इंजन और 6 खाली डिब्बे बेपटरी हो गए जिसके कारण कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में सीलिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोपी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। मनोज तिवारी ने 16 सितंबर को दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक मकान पर लगी सील तोड़ दी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोर्ट की अवमानना करने का नोटिस जारी करते हुए अदालत में पेशी का आदेश दिया था और फिर मनोज तिवारी की दलीलें सुनने के बाद 31 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंडमान निकोबार के नॉर्थ सैंडीमल आइलैंड में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे एक अमेरिकी नागरिक की संरक्षित आदिवासियों ने कथित तौर पर तीर मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया कि जॉन एलन चाउ की 17 नवंबर को सेंटिलीज आदिवासियों ने हत्या कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए सऊदी अरब के शासकों को जिम्मेदार नहीं ठहराने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखना और तेल की वैश्विक कीमतों पर लगाम लगाए रखना अमेरिका और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हित में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। अरे दद्दा, ओ कहां जाना है? हां इधर उधर। हां आओ आओ, कहां जाना है आपको? दद्दा कहाँ जाना है? बेटा मुझे मध्य प्रदेश जाना है। अरे दद्दा, मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में ही तो हो। बेटा मुझे ये विज्ञापन वाले मध्य प्रदेश में जाना है जहाँ सड़कें अमेरिका से ज्यादा अच्छी हैं, जहाँ लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जहाँ किसानों की आय दोगुनी हो गई है, जहाँ बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं। अरे दद्दा, पिछले 15 सालों से भाजपा सरकार के बड़े बड़े दावे विज्ञापनों तक सिमट के रह गए हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं तो फिर चलो इस बार विज्ञापन वाली भाजपा सरकार को ही बदल देते। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।